आईपीएल के 16वें सीजन को शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही दिनों का समय बाकी है। सभी टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, वहीं खिलाड़ी अपने अपने होम ग्राउंड्स में जमकर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच मुंबई इंडियंस के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा इस सीजन के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे। चलिए अब आपको इस खबर को विस्तार से बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा वर्कलोड मैनेज करने के चलते शुरुआती मैचों से बाहर रहेंगे। वहीं आईपीएल फाइनल के बाद टीम इंडिया को एक हफ्ते बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेलना है। वहीं इसके बाद सभी खिलाड़ी घर में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों में भी जुट जाएंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रोहित शर्मा किसे कप्तानी सौंपेंगे मुंबई इंडियंस की टीम में से। तो रोहित की गैर मौजूदगी में मुंबई इंडियंस की कमान सूर्य कुमार यादव संभालेंगे। वहीं सूर्य कुमार यादव लंबे समय से मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा रहे हैं। वहीं रोहित डगआउट से बैठकर ही मैच पर ध्यान देंगे। साथ ही आपको बता दें कि रोहित अक्सर ज्यादा वर्कलोड होने के चलते पहले चोटिल हो चुके हैं। ऐसे में आईपीएल में वो खुद को शरीर पर ज्यादा लोड नहीं डालना चाहते। वहीं अगर सूर्य कुमार यादव के करियर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने पिछले एक साल में T20 क्रिकेट में तूफान मचा दिया है। वहीं इस फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज हैं। वहीं आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए पिछले कई सालों से खेल रहे सूर्या को इस साल आईपीएल में देखना खास रहेगा। वहीं वो आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के बड़े दावेदार हैं। वहीं आईपीएल में सूर्या ने 62 मैच खेले हैं और 59 पारियों में उन्होंने 1575 रन बनाए। वहीं सूर्य कुमार का आईपीएल में सर्वाधिक स्कोर 82 रनों का है। वहीं उनके नाम 0 आईपीएल शतक है और 10 आईपीएल अर्धशतक है। वहीं दोस्तों आपकी क्या राय है कि रोहित शर्मा ने जो अपनी कप्तानी सूर्य कुमार यादव को सौंपी है वो क्या एक सही डिसीजन है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।